अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी अतीक अहमद मर्डर मामले की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी के एक भड़काऊ बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने कहा कि इमरान प्रताप गढ़ी अतीक और अशरफ को गुरु मानते थे। करंदलाजे ने कहा कि प्रताप गढ़ी को स्टार प्रचारक बनाकर कांग्रेस ने यह दिखा दिया है कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। गैंगस्टर आतिक अहमद अशरफ अहमद का वो गुरु मानते थे, भाई बोलते थे, ऐसा इमरान प्रताप गढ़िया कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र का राज्यसभा का एमपी बनके राज्यसभा में आए, कर्नाटक आए थे, कर्नाटक में हिंदू विरोधी भाषण किया, उन्होंने बताया मुसलमान ऐसा लोग है वो सर झुकाने वाले लोग नहीं है, सिर काटने वाले है, ऐसा भाषण इमरान प्रताप गढ़िया कर्नाटक में किया था। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा मिस्टर इमरान प्रताप गढ़ी, यू नो व्हाट इज हिज फेम इज दैट ही हैज made poetry in praise of established mafia dons of UP regarding Atiq Ahmed. You know what was his word? It is the way words of a star campaigner of Karnataka Congress. Ki kabhi shayad kisi ka koi kad aisa kad nahi hoga, kai sadiyon tak koi Atiq Ahmed nahi hoga. Please read this. In 2008, when there was a no confidence motion against the UPA, the same person, Atiq, was not voting in favor of UPA. His party was voting in favor of UPA, but Atiq was favoring BJP. Shobha ji, ye rishta kya kehlata hai? वहीं अतीक और अशरफ अहमद हत्याकांड की जांच तेजी से की जा रही है। फॉरेंसिक और एसआईटी की टीमें आज प्रयागराज में घटना स्थल पर पहुंची। उनके साथ ही जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के सदस्य भी पहुंचे। घटना स्थल पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। वहां किस तरह पत्रकार बनकर आए तीन हमलावरों ने अतीक और अशरफ अहमद की हत्या की, ये सीन वहां दोहराया गया। यूपी सरकार ने मामले की जाँच के लिए दो रिटायर्ड जज और एक पूर्व डीजीपी की अगुवाई में जाँच कमेटी का गठन किया है। जो थे